हे गाइस, तो आज मेरी चैट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से हुआ। और जब मैं उनसे चैट कर रहा था तो क्या क्वेश्चन पूछा मैंने उनसे। तो मेरा क्वेश्चन था, आप एक ऐसा चीज़ बताइए जो आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स को बताना चाहोगे। मैंने इसको फिर से सिंपल किया थोड़ा उनको आसानी के लिए। नो, स्टॉक मार्केट में जितने बिगिनर्स है और जो भी आता है, वो सभी कुछ सपने लेकर आते हैं, कुछ कहीं से सुन करके, कहीं से देख करके, कुछ एक्सपीरियंस करके सभी आते हैं स्टॉक मार्केट में कुछ सपने लेकर कुछ पैसे बनाने के लिए। तो इसी को मैंने आगे एक्सपैंड किया है कि वो समझ जाए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब उनका आंसर क्या था इसे हम देखें, उससे पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इनका नाम पुष्कर है और ये 15 सालों से स्टॉक मार्केट में है। इनका आप यहाँ बायो देख सकते हैं। 1 सेकेंड, इनका हर एक वर्ड्स को मैं वैल्यू करता हूँ। पता है क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत बार टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज के दौरान बताया है, स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि स्टॉक मार्केट एक गाड़ी के चलाने जैसा है। अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो आप चला सकते हो, आपको थोड़ा खतरे कम हो जाते हैं। आप शायद यहाँ पर सोच रहे होंगे ये बंदा क्या कहीं बोलता है स्टॉक मार्केट सही है ये गलत है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, इसका मेरा आंसर है कि स्टॉक मार्केट कुछ ऐसा है ना, तो मैं आपको ऐसा दिखाना चाहता हूँ। ओके, अगर आपके सक्सेस जर्नी में अगर उसका यूज होता है, एक टूल्स की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते, तो यूज करो, आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल नहीं है, अगर आपके बड़े सपने हैं, बड़े गोल हैं, तो शायद आप वहाँ पे थोड़ा स्टॉक मार्केट को साइड में रख करके बाद में इस्तेमाल करना चाहो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टॉक मार्केट जैसा है वैसा मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं बाकी बंदों की तरह नहीं कि जो यूट्यूब पे आते हैं, टीवी चैनल पे आते हैं और केवल आपको स्टॉक मार्केट में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको ज़रूरत ही नहीं हो स्टॉक मार्केट की, आप कहीं और से पैसे बना सकते हैं, राइट। तो सबके सिचुएशन अलग अलग है। मैं आपको कोई न्यूज और डेली बेसिस पे कोई ये स्टॉक मार्केट तूफानी करने वाला है ये सब न्यूज नहीं लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको आपका पोजीशन दिखाना चाहता हूँ और एक राइट वे में स्टॉक मार्केट को यूज करने का तरीका बताना चाहता हूँ, डैट इज ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारा उनसे क्या बातें हुई और उनका क्या रिस्पॉन्स था। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई सेशन चाहिए या फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो मैंने पुष्कर साहब का ट्विटर और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने पूछा उनसे कि इसे थोड़ा सिंपल कर दो, मान लीजिए अगर मुझे 100 करोड़ रुपीज अपने लाइफ में बनाना है तो क्या मुझे स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए। अभी सिचुएशन ये है कि 25,000 पर मंथ कमाता हूँ। तो उनका रिस्पॉन्स है, आर यू आस्किंग फॉर योरसेल्फ। तो मैंने बोला यस, क्योंकि सर आप जो भी सोचो मेरे जैसे इंडिया में बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। ओके, सबको इसका आंसर चाहिए, मुझे भी चाहिए, एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, पैसे किसको नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्स किया, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट, स्टॉक मार्केट बेस्ट। उसमें उन्होंने फिर ऐड किया, बट डूइंग द राइट थिंग इन द स्टॉक मार्केट मेक्स मनी। उन्होंने बोला अगर आप सही चीज करते हो ना स्टॉक मार्केट में तभी आपके पैसे बनते हैं। 99% लोग पैसे लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में और जस्ट 1% विल मेक मनी, केवल 1% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये 15 साल का एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है, तो ध्यान देते जाओ। तो आगे बढ़ते हैं और उनका नेक्स्ट मैसेज क्या था वो देखते हैं। इन दैट आल्सो 80% ऑफ 1% विल बी द वन दैट डू नॉट नो एनीथिंग। तुक्का, मतलब बोल रहे हैं कि 1% में भी 80% लोग तुक्का मारते हैं, उनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होता। जो 1% लोग पैसा बनाते हैं ना, उसमें 20% लोग जानते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। सो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ऐड किया, एज यू से 99% लूज मनी, डू यू थिंक आई कैन अचीव माई गोल ऑफ 100 crores? वन थिंग आई विल मेंशन हियर, इन माई लाइफ आई नीड दिस मनी इन एनी कॉस्ट, मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स। शुड आई डू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और शुड आई डू समथिंग एल्स?
सर जैसे आपने बोला 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लूज करते हैं, तो आपको क्या लगता है जो ये मेरा 100 क्रोर्स का गोल है वो मैं अचीव कर सकता हूँ? और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगा कि ये जो 100 क्रोर्स का गोल है ना वो मुझे चाहिए ही चाहिए, इन एनी कॉस्ट आई नीड, मतलब डूइंग द राइट थिंग्स। तो क्या मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए या कुछ और चीज़ में करूँ? तो उनका आंसर था कि इन्वेस्टिंग से फ़ायदा तभी होता है जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, और एल्स ट्रेडिंग इज़ द वे यू कैन मेक द कैपिटल। फिर से मैं इसे रिपीट करूँगा, एल्स ट्रेडिंग इज़ द वे टू मेक द कैपिटल। फिर उन्होंने मैसेज किया, यू कैन मेक कैपिटल विथ ट्रेडिंग डेली एंड इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ योर विनिंग्स। उन्होंने बोला कि आप डेली ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं और जो आपको प्रॉफिट होंगे ना उसका कुछ हिस्से को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनका लास्ट मैसेज था, दैट इज़ व्हाट आई एडवाइस माई क्लाइंट। यही चीज़ें मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ। तो उनसे चैट के दौरान मैंने उनसे बोला कि सर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं अपना व्यूज़ वहाँ पर शेयर करूँगा, तो आप भी जरूर देखिएगा, उम्मीद है वो भी देख रहे होंगे। अब मैं अपना आंसर दूँ और मैं अपना विचार इस पर बताऊँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि मैं उनको कहीं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। यू नो वो उस सिचुएशन पर हैं और हो सकता है मुझे उतनी नॉलेज नहीं हो, ओके, और मेरे लिए वो चीज़ें भी सूट नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट को अपने जर्नी में इस्तेमाल कीजिए, ओके, एक एक जगह जाना है आपको तो स्टॉक मार्केट को वैसे इस्तेमाल कीजिए, और हो सकता है वो पुष्कर सर वैसे कर रहे हैं, ओके, उनको ऑलरेडी सोर्सेज ऑफ इनकम है जहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। यहाँ पर मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप 25 से 35 साल के बीच में हो ना तो आप स्टॉक मार्केट में इंटर तो करो लेकिन ट्रेडिंग मत करो। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्यों भाई? जैसे कि आपने देखा अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था, एक 15 साल का एक्सपीरियंस पुष्कर सर ने आपको क्या बोला, 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे हारते हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के दौरान बहुत बार आपको बोला है कि स्टॉक मार्केट किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देता, मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस हर एक रिसर्च कर लिया आपने, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होंगे। इन दो रीजन को देखने के बाद कंक्लूजन यह निकलता है, सक्सेस होंगे कि नहीं, यू नो आपका जो फाइनेंशियल गोल है आप उसे अचीव कर पाओगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आप रास्ता चूज कर रहे हो उसका ही कोई गारंटी नहीं है। लुक, इन्वेस्टिंग जरूरी है लेकिन राइट डायरेक्शन में। एक सिचुएशन देखते हैं, मान लो आप महीने के 25 से 30 हज़ार कमा रहे हो, एक तो आप पैसे कम कमा रहे हो, राइट? अब आपको चले गए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कि आप ट्रेडिंग से पैसे बनाओगे और फिर इन्वेस्ट करोगे, तो जो आप एक मंथली पैसा कमा रहे हो ना उसका भी कोई गारंटी नहीं है, आप वो भी लूज कर दोगे। सो मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप 25 से 35 साल को हो ना तो जा कर के बिजनेस करो, ओके? बिजनेस नहीं करना, जो आप काम कर रहे हो ना एक सोर्स ऑफ इनकम है, अनदर सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। मुझे पता नहीं कैसे करोगे, आपका सिचुएशन है, आप किस माहौल में हो, कैसे सिचुएशन में हो, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं एक दूसरा एसेट बनाऊँ, दूसरा एसेट क्रिएट करूँ जिससे मुझे पैसे आए, जिससे मेरा पैसे बढ़े। जब इनकम आपके बढ़ेंगे ना आप उस इनकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं चाहे छोटा मोटा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करूं, मैं मेरा ये एक जॉब है, मैं अपने पैसे को इनकम को कैसे इंक्रीज करूं, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख पर मंथ आपको इनकम होना चाहिए। अगर आपका गोल 10 करोड़ है तो आप 25-35 हज़ार में कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? तो ये तो हो गया कि अपने बच्चों के लिए पैसे बना रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। अगर आपके बड़े गोल हैं 100 करोड़ 10 करोड़, तो आपको छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं जो ये मंथली इनकम है इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसे आप एक बिजनेस करके कर सकते हैं, तो चाहे आप 5 जॉब करके कर सकते हैं, तो कड़वा है लेकिन हकीकत है। तो मैं आपको यहाँ पर्सनली सजेस्ट करूँगा, आप 25 से 35 साल में हैं तो आप ट्रेडिंग पर ध्यान ना दें, आप अपने पैसे को इंक्रीज करने की कोशिश करें, वो कैसे भी हो सकता है, और ना ग्राउंड में उतर जाओ, जा कर के बिजनेस करो। कितना ही मिस्टेक करना है, जो भी करना है 30-35 साल तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप जीवन में करना चाहते हैं उससे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर कोशिश करें, वहाँ से पैसे जनरेट करने की कोशिश करें।
क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कितना खुश हो वही मैटर करता है। ट्रेडिंग मत करो, आप कोशिश कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देखो कि क्या मैं कर सकता हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इसलिए सीखो क्योंकि आपको एक बेटर वर्जन बनने में मदद करेगा, आपको बिजनेस को देखने का नजरिया बदल जाएगा क्योंकि आपको बिजनेस आसान लगने लगे। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में उसको सीखो, समझो। देखिए, आपको एंड ऑफ द डे आपको किसी को पैसे नहीं देना है कि भाई ये पैसे ले और अपने कंपनी चला और जो प्रॉफिट हो मुझे दो, दूसरे के भरोसे नहीं दे देना। खुद पैसे चाहिए, बड़े गोल हैं, गट्स से ग्राउंड में जाओ, जा करके बिजनेस करो और खुद का IPO एक दिन लॉन्च करो। बात यह है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपको पता ही क्या करना है, फिर से बता दो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और देखते रहो लर्न टू इन्वेस्ट इंडिया।